हेलो एवरीवन, आज आपको क्वाड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में काफ़ी अमेजिंग फैक्ट्स जानने को मिलेगा। उसके साथ आपको यह भी जानने को मिलेगा क्या क्वाड एशियन नाटो बन सकता है, और साथ में अभी जो टोक्यो में जो क्वाड का मीटिंग हुआ उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। देखो, क्वाड ग्रुप का आइडिया एक्चुअली जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे का था। उन्होंने 2007 में ही भांप लिया था कि आने वाले समय में चीन काफ़ी बड़ा मिलिट्री पावर होगा, और वो बाद में सिक्योरिटी और सिप्स प्लेन के फ्री नेविगेशन में प्रॉब्लम करेगा। 2007 में ही क्वाड का फॉर्मेशन हुआ, और उसी साल एक बड़ा नेवल एक्सरसाइज हुआ था जिसे आप मालाबार एक्सरसाइज कहते हैं। यह 9th मालाबार एक्सरसाइज था। एक्चुअली इसमें खास बात यह था कि यह फर्स्ट मालाबार एक्सरसाइज था जो इंडियन ओशियन के बाहर हुआ था, जापान के ओकिनावा आइलैंड के पास जो चाइना के बहुत ही पास है। और उसके साथ इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ने भी पार्टिसिपेट किया था, यूएस, जापान और इंडिया के अलावा। तो इस एक्सरसाइज का कोई ऐसा एम नहीं था कि चाइना के खिलाफ हुआ हो, लेकिन चीन इसमें भविष्य का अपने लिए सबसे बड़ा खतरा को भांप लिया, और उसने ऑस्ट्रेलिया को धमकाना चालू कर दिया कि अगर वह क्वाड ग्रुप से बाहर नहीं होता है तो उसे भारी इकोनॉमिक सैंक्शन उठाना पड़ेगा। देखो, उस समय ऑस्ट्रेलिया ट्रेड में काफ़ी हद तक चाइना के ऊपर डिपेंड था। कुछ मंथ बाद ही ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट बदला, और न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया केविन रूड ने यह निर्णय लिया कि ऑस्ट्रेलिया कोई ऐसे ग्रुप में शामिल नहीं होगा जो चाइना के इंटरेस्ट को हर्ट करता है। उसके बाद क्वाड चला गया ठंडे बस्ते में। 2017 में फिर से शिंजो आबे ने क्वाड को खड़ा करने में इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि 2007 से 2017 तक काफ़ी कुछ बदल चुका था। चीन अपने आर्टिफिशियल आइलैंड साउथ चाइना सी में बना चुका था, और उसके साथ चीन नए नए आइलैंड पे कब्जा किए जा रहा था या फिर उस पर क्लेम, यहाँ तक कि चीन ने पूरे साउथ चाइना सी को ही अपना जागीर बताना चालू कर दिया। यही सब वजह से 2017 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी रुचि दिखाया इसे आगे बढ़ाने को लेके, और उसी साथ एक इफेक्टिव मैकेनिज्म बना क्वाड को कैसे आगे फंक्शन करेगा। देखो, आप एक बात जान लो, क्वाड का दो मोटिव है स्पेशली, पहला इकोनॉमिक और दूसरा कैसे सिक्योरिटी और फ्री नेविगेशन प्रोवाइड किया जाए ट्रेड के लिए। क्वाड के डिक्लेरेशन में कभी भी चीन का नाम तक नहीं लिया गया है, और ना कोई कंट्री खुल के यह कहती है कि क्वाड चाइना के अगेंस्ट है। बड़ा सवाल यह है, क्वाड को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत आखिर क्यों है? इसका सिंपल आंसर है, चाइना, चाहे वो आसियान कंट्रीज हो या फिर साउथ एशियन या फिर ईस्ट चाइना सी एरिया, हर जगह चीन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और छोटे छोटे देश को लोन के जाल में फंसा रहा, और उसके बाद उसके ज़मीन को लंबे समय तक लीज पे ले लेता है। आप खुद सोचो, चाइना ऐसा कुटिल सोच वाला देश अगर किसी देश का ज़मीन लीज पे ले लेता है तो क्या वह देश सेफ है? क्या उसके आसपास के देश सेफ होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चीन हर जगह अपना मिलिट्री बेस बना लेगा, और यह चीन कर भी रहा है अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मैरिटाइम सिल्क रोड के जरिए भारत को चारों तरफ से घेरता जा रहा है। तो भारत के लिए क्वाड इफेक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वहीं जापान के साथ भी चाइना का टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, खास करके सेनकाकू आइलैंड को लेके, जो अभी जापान के कंट्रोल में है लेकिन चाइना उस पर क्लेम करता है, और यहाँ तक कि चाइना जापान के इंटरनल जोन को भी इंट्रूड करता है, चाहे एयरफोर्स के जरिए या फिर नेवी के जरिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है क्वाड ग्रुप, क्योंकि बीते कुछ सालों में चीन ऑस्ट्रेलिया के इंटरनल मामलों में काफ़ी ज़्यादा दखल देता है, खास करके पॉलिटिकल और एजुकेशनल एरिया में। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब से ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में यह डिमांड रखा है कि कोरोना वायरस पे इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए,
उसके बाद से चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के सामान पे हैवी टैरिफ लगा दिया ताकि ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमी का कमर ही टूट जाए। लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी नहीं झुका और चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। यूएसए के साथ तो देख ही रहे हैं, इतना खराब रिलेशन हो चुका है चाइना का, सालों से ट्रेड वॉर चल रहा है, उसके साथ ही डिप्लोमेटिक रिलेशन भी धीरे धीरे खराब होते जा रहा है, खास करके ताइवान, हांगकांग, तिब्बत और चाइना के हो रहे मुस्लिम पे अत्याचार को लेके। यही वजह है क्वाड सबसे बेस्ट है इन सब देशों के लिए, ताकि चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस पे लगाम लगाया जा सके। एक सवाल आपके मन में और आता होगा कि अगर सब देश चीन से इतना ज़्यादा तंग हो रहा है तो क्या क्वाड को एक मिलिट्री अलायंस क्यों ना बना दिया जाए, जैसे नाटो है। देखो, चीन तो क्वाड को एशियन नाटो अलायंस कहता ही है और खौफ भी खाता है, लेकिन क्या भारत के लिए ऐसे मिलिट्री अलायंस में शामिल होना सही है? यह एक बहुत उलझा हुआ सवाल है, क्योंकि अगर भारत चाइना के खिलाफ किसी मिलिट्री अलायंस में शामिल होता है तो भारत और चीन का रिलेशन और भी ज़्यादा बदतर होगा। चीन दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी होने वाला है आने वाले टाइम पे, और उसके साथ चीन भारत का पड़ोसी भी है। चीन के खिलाफ किसी भी मिलिट्री अलायंस में भारत का शामिल होने का मतलब है अगर कोई देश का चाइना के साथ वॉर होता है तो भारत को उस वॉर में शामिल होना पड़ेगा चाइना के खिलाफ। चाइना यूएस में एकदम नहीं बनता है, खास करके साउथ चाइना सी में। अगर सोचो कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ चाइना और यूएस फोर्स में, तो यह दो देश का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, तुरंत वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया चाइना के अगेंस्ट युद्ध में शामिल हुआ यूएस के साथ, तो चाइना के अलायंस कंट्रीज लाइक रशिया, ईरान और पाकिस्तान भी चाइना के साथ खड़ा हो जाएगा, तो छोटा कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगेगा। आते हैं क्वाड के इस साल के मीटिंग पे जो टोक्यो में हुआ है। यह दूसरा फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग है। इससे पहले मीटिंग में जो शामिल होते थे वो बिलो फॉरेन मिनिस्टर रैंक के लोग शामिल होते थे। इससे पहले जो पिछले साल का मीटिंग था वो न्यूयॉर्क में हुआ था। इस मीटिंग में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो, ऑस्ट्रेलियन फाइनेंस मिनिस्टर मैरी स्पेन, जापान्स फाइनेंस मिनिस्टर सीमित्सु मोटेगी ने पार्टिसिपेट किया। एस जयशंकर ने साफ कहा कि भारत कमिटेड है किसी भी देश के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए, और उन्होंने यह भी कहा कि हर एक देश को इंटरनेशनल कानून के हिसाब से चलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और भारत एक फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक चाहता है, ताकि वहाँ फ्री नेविगेशन हो सके हर देश के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।